सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, मंगलमय होंगे और अपने घर में होंगे। ठाकुर जी की सेवा ऐसे ही निरंतर करते होंगे। और मैं जब वीडियो एडिट करने बैठती हूँ ना, तो मेरी एक आदत बन गई है चाय लेकर बैठना। तो वीडियो को एडिट भी करती जाती हूँ और चाय लेकर भी बैठती जाती हूँ। अच्छा लगता है चाय के साथ वीडियो एडिट करना, आप लोग भी किया करो। एक टॉपिक है वो मैं आज लेकर आई हूँ, कन्हैया के साथ। और कन्हैया कैसा अच्छा लगता है आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कैसे तैयार करती हूँ ये भी बताइएगा, ड्रेस कैसी लगती है कन्हैया की ये भी बताइएगा। हाँ, और जब सुबह सुबह धीरे धीरे कन्हैया को रेडी करो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबको अच्छा लगता होगा और मन की सारी जो है बातें एक तरफ हो जाती हैं, कन्हैया की सेवा एक तरफ हो जाती है। एक सुकून ही मिलता है सुबह सुबह कन्हैया के साथ। मतलब कन्हैया के कपड़े निकालना, कन्हैया का वो मतलब हार पहनाना और नहलाना अपने हाथों से। एक ठाकुर जी जो है बहुत ही एक आनंद देते हैं, मतलब हाथों को जैसे लग रहा है, मतलब जितनी देर सेवा करेंगे ना उतनी देर सब कुछ भूल जाते हैं। जितनी देर नहलाएंगे, धुलाएंगे, कपड़े पहनाएंगे, भोग लगाएंगे, श्रृंगार करेंगे, जल पिलवाएंगे, उतनी देर में तो जैसे लगता है हम सब कुछ भूल ही जाते हैं। और ठाकुर जी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, चाहे छोटी सेवा हो चाहे बड़ी सेवा हो, जैसी भी सेवा आप कर पाते हैं। ये नहीं कहते कि रोज़ डेली छप्पन भोग रखो, एकाना बिल्कुल नहीं कहते हैं। ये भी नहीं कहते कि रोज़ डेली हमारे हमको कपड़े पहनाओ बदल बदल के। जितने जोड़ी आपके पास हैं, एक जोड़ी दो जोड़ी आप रोज़ पहना सकते हो। और अगर हैवी ड्रेस हैं तो वो आप गंगा जल छिड़क सकते हो उस पर। अगर एकदम सॉफ्ट वाली ड्रेस है तो आप धुल सकते हो, ऐसा भी है। तो आज है पूर्णमासी, पितृपक्ष भी लग चुके हैं। हमारे पितृ पूर्वज जो हैं धरती पर आते हैं और जो दान वगैरह होता है हम लोग इंसान करते हैं, बहुत ही घरों में करते हैं, बहुत ही घरों में नहीं करते हैं। तो ऐसा सबके घरों में वैसे लगभग नहीं होता है। वैसे तो कहा जाता है कि जो है रोज़ डेली छत पर तिल का दान करना चाहिए, ताकि पितर हमारे आते हैं पितरों को पानी देना चाहिए। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं। श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध भी बहुत मान्य होती है। श्राद्ध वाले दिन कौओं को कुत्तों को खाना खिलाना चाहिए। अगर वो खा लेते हैं हंस अच्छे से पूरा फिनिश कर देते हैं, हाँ पितर खुश हो गए हैं। अगर नहीं खाते हैं सूंघ के चले जाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि पितर हमसे खुश बिल्कुल नहीं है, नाराज हैं। तो कोशिश करें कि रोज़ डेली ही छत पर रोटी रख के आए, कौवे खा लें, ज़्यादा बढ़िया है। ना पितर ना आप वो कर पाएँ श्राद्ध, तो अब रोज़ डेली कौओं को रोटी भी खिला सकते हैं। यहाँ पर कन्हैया को हमने मोर पंख लगा दी है, थोड़ा समय तो लगता है तैयार होने में कान्हा को, लेकिन वो अच्छे से रेडी हो ही जाते हैं। और कहते हैं जो है पितृपक्ष में ना तिल का दान बहुत महत्व है। अब कोई भी जैसे हम लोग सावन मास में या कभी भी शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं ना, तो एक लोटा पानी जल ले जाते हैं, उसमें थोड़े से तिल चावल डाल के ले जाते हैं। वैसे ही पितृपक्ष में है कि आप जब जल दें तो उसमें तिल डाल लें, अगर भोजन बनाते हैं तो उसमें थोड़े से तिल डाल लें। तो ये भी एक है परंपरा जो भी है, शास्त्र ऐसा करते हैं, बाकी ऐसा सबको नहीं पता है और मुझे भी पता नहीं है। मैंने एक थोड़ी सी कहीं क्लिप देखी थी वीडियो की, तो उसी थोड़ा सा पढ़ा था, मैंने लाइन लिखी थी, तो वही मैं आप लोगों को भी बता दी हूँ। ज़्यादा तो कुछ मुझे भी पता ही नहीं है ना कन्हैया के बारे में, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और बस ऐसे ही छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी वॉच टाइम पूरा हो जाए। और आप सबके सपोर्ट से का चैनल मोनोटाइज हो जाए। 4 साल हो गए हैं लगातार वीडियो डालते हुए, और कभी कभी बीच में मन करता है ना बनाए ना डालें वीडियो, लेकिन फिर सोचते हैं चलो कंटिन्यू बना के रखते हैं, डालते हैं वीडियो।
एक ना एक दिन तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी ही। तो कान्हा की कृपा से देखते हैं क्या होता है। अभी तो हमें लग रहा है अभी 1 साल लग जाएगा चैनल मोनोटाइज होने, मतलब 6 ईयर हमको हो जाएंगे 6 साल में। लोग यहाँ 1 महीने के अंदर ही वीडियो वायरल हो जाती है, वायरल होकर पैसा आने लग जाता है। ऐसा होता है किसी किसी चैनल पर, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही डालते रहेंगे। जब कान्हा की इच्छा होगी तब चैनल मोनेटाइज होगा। तब तक के लिए राधे राधे सभी भक्तों को, जय श्री कृष्णा। और हाँ, ये छोटी सी एक क्लिप मैंने आप बुद्धेश्वर मंदिर की डाली है भोले बाबा की, वहाँ से मैं लड्डू गोपाल को लेकर आ रही थी और छोटी वाली बहन ने थोड़ी सी क्लिप ले